Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. जी दोस्त, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज जो हम एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सेल का सिर्फ हमने आज जो है इंट्रोडक्शन ही देखना है, उसके ऊपर के जो फील्ड हैं वो उसके नाम वगैरह चेक करने हैं, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर हम प्रॉपरली जो सा काम कर चुके हुए हैं उन फील्ड को जान चुके हैं। एक्सेल के अंदर सिर्फ हमने नाम और इनकी देखनी है बस चीज़ों को कि क्या चीज़ें हैं। आज जो हमारा ये लेक्चर होगा सिर्फ इसके बारे में कि हमने कौन कौन सा टूल इसके अंदर से पढ़ते हैं। चलते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप एक्सेल भी लिख सकते हो, ठीक, और इसके ऊपर आए यहाँ से ये एक्सेल, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। तो जैसा जैसे आपको इजी लगे आपने उस तरीके से कर लेना इसको, ठीक है। ये जी एक्सेल 2016 ओपन हो गया, इसे हम मैक्सिमम कर लेते हैं, यहाँ से इसको ओपन जी। इसके अंदर जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है जी, हमने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर से अच्छे तरीके से रीड करनी है। सबसे पहले जैसा कि आपने वर्ल्ड के ऊपर देखा होगा कि हम फाइल के अंदर से हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, होम, न्यू, ओपन। ओपन करना आपको पता है, सेव, इन्फो, इसकी इंफॉर्मेशन। जैसा कि ये इसके ऊपर क्लिक है तो ये इसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आपको प्रोडक्ट, वर्क बुक, इस तरह की आपको सारी एडमिन वगैरह हर चीज़ आपको ये बताएगा। ब्राउज़र व्यू ऑप्शन, सेव, सेव आप कैसे करना चाहते हैं। आपको अगर वर्ल्ड की फ़ाइल आपको इजीली सेव करनी आती है तो आप इसी तरीके से जिस तरह आपने वर्ल्ड की फ़ाइल को सेव किया उसी तरीके से आपने एक्सेल की फ़ाइल को भी सेव करना है। नेक्स्ट, सेव एस, सेव और सेव एक्स दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक। अब आते हैं हिस्ट्री, प्रिंट, प्रिंट मतलब कि आप इसका अगर कोई प्रिंट लेना चाहते हैं, इसके ऊपर हमारा प्रॉपर एक लेक्चर होगा प्रिंट के ऊपर से कि हम अगर एक्सेल की कोई शीट को प्रिंट करना चाहते हैं किस साइज़ में, ये लेटर साइज में, किस में हमने आज इसको प्रिंट करना है, तो इसका मेथड क्या होगा, इसे करने का तरीका क्या है। फाइल को शेयर करना, सेव कॉल, ईमेल वगैरह आप इजीली इसमें अंदर से कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो ये फाइल। एक्सपोर्ट, इसको आप पीडीएफ या एक्सपीएक्स, क्रिएट अ पीडीएफ एंड एक्सएक्स फाइल, एंड इसके अंदर आप जैसा कि मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट रखना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल हम इजीली बना लेते हैं डॉक्यूमेंट में। तो जैसे कि आपने सिर्फ पीडीएफ ही नहीं दिखाना है, यस, और क्लोज मतलब जो फाइल, ये लीजिए एक्सेल की जो हमने शीट ओपन की थी उसे इसने क्लोज कर दिया हुआ है। अकाउंट, अब आ जाते हैं इसके अकाउंट की तरफ। अब ये अकाउंट की सेटिंग है, कुछ मैनेजर सेटिंग, ऑफिशियल अपडेट ऑप्शंस, अकाउंट अगर अपन ईमेल के मुताबिक या फीडबैक के मुताबिक, ये देखें साइन इन मांगेगा, यहाँ से आपने क्या करना है, वाइट, डार्क, कलरफुल, आप इसको किस में रखना चाहते हैं। अभी जो था ये कलरफुल था तो मैंने इसे डार्क में कन्वर्ट कर दिया है, वाइट, ये वाइट में, ये कलरफुल। मैनेजिंग, मैनेज सेटिंग, इसके अंदर आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से सेटिंग कर सकते हो, कंट्रोल बाय यू, मतलब जैसे आप इसको इजीली कंट्रोल करना चाहते हो। इसके अंदर ये सारी सेटिंग हमारे पास मौजूद है, जोन जोन से आप इसे रीड कर ले, जोन जोन से परमिशन आपको चाहिए या जोन से परमिशन आपको नहीं चाहिए, इसके अंदर से जिसको ऊपर आप इसे रखना चाहते हो, जिसको नहीं रखना चाहते आप इसको इजीली इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हो। उस टिक को टिक करें और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे कि मुझे अभी कोई चीज़ नहीं चाहिए तो इसके लिए मैं आपसे ऑप्शन में बंद रखूँगा। आगे आ जाती ऑप्शन, इसका एक प्रॉपर लेक्चर हम देंगे कि ऑप्शन है क्या, ये आपको बहुत सी जगहों पे हेल्प करेगा। जैसा कि आप किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट या किसी भी किस्म की कोई भी आप किसी के रिलेटेड कोई फाइल बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये ऑप्शन बहुत ही अहम चीज़ होती है।
इसको हमने मैनेज करना होता है। तो इसकी सिर्फ ऑप्शन ही हम देखेंगे अभी, जो सा ये जो चीज़ें हैं ये हम एक पूरे लेक्चर के ऊपर प्रॉपर तरीके से इसे पढ़ेंगे। होम, जैसा कि मैंने कंट्रोल एंड किया, न्यू पेज ले लिया, ठीक, वो मैंने क्लोज कर दिया था, कंट्रोल एंड से मैंने न्यू पेज लिया, आपको पता ही होगा। अब हमारे पास आ जाता है होम। होम के अंदर कॉपी पेस्ट, मतलब क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, एलिमेंट्स, नंबर, स्टाइल्स, सेल, एडिटिंग। इंसर्ट के अंदर हमारे पास आ जाती है टेबल्स, शेप्स वगैरह, जिसके अंदर से हम बहुत सी किस्म के शेप्स, इंस्टॉलेशंस, स्टेशन, इसके अंदर हम शेप पिक्चर, ऑफलाइन पिक्चर, शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आपने वर्ल्ड के ऊपर भी देखा होगा। और इसके अंदर एक नई चीज़, चार्ट। चार्ट चार्ट एक मतलब कि जैसा कि आप कोई भी किसी किस्म का भी मैच देखना चाहते हो, देख रहे हो, उसके अंदर जो एक परसेंटेज निकलती है, चार्ट रहता है हमारे सामने कि ये इतनी बॉल पे इन्होंने इतनी की है और यहाँ पे इनकी विकेट, या कोई भी इस तरह का आप चार्ट बना सकते हो। फिल्टर, फिल्टर भी इसके अंदर बहुत ही अहम एक चीज़ है, लिंक और फिल्टर। क्यों? टैक्स, टैक्स आप किस आर्ट में रखना चाहते हो, टैक्स के लिहाज से आप टैक्स को लिखना, टैक्स बॉक्स में लिखना चाहते हो किस में, जैसा कि मैं इसे टैक्स बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ और इसे ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ से मुझे ये इसकी स्पेस मिल जाती है, लेकिन इसको जो से हम प्रॉपर तरीके से एक चीज़ के ऊपर काम करेंगे, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। इसके बाद इंसर्ट लेआउट, वही चीज़ पेज को मैनेज करना। जब हम एक पेज को मैनेज करेंगे, किस तरीके से हमने मैनेज करना है वो सारा हम इसको बताएंगे। आपको कौन सा ए फोर लेटर, ये ए फोर उसने बना दिया हुआ, ये देखें, ठीक। फॉर्मूला, इसके अंदर हमारे पास कुछ फंक्शन लेबोरेटरी है, जैसा कि लॉजिकल, टैक्स, ऑटोसम, रिसेंटली यूज, जो यूज होते हैं, ये जितने भी ये चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम आपको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर असाइनमेंट के तौर के ऊपर आपको बताएंगे। आज का जो हमारा जो ये लेक्चर है वो सिर्फ इसके बारे में कि हमने इसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और उसे जल्दी जल्दी क्लोज करना है। गेट एक्सटर्नल डाटा, अगर आप कोई बाहर से डाटा लाना चाहते हैं वो भी इसी के अंदर हम इजीली ला सकते हैं। इसके अंदर डाटा, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है ऑप्शन। रिव्यू, रिव्यू जो है हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब इसके रिलेटेड हमारी कोई असाइनमेंट नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में टच सा आपको देंगे कि यह चीज़ क्या है। आगे आ जाता है व्यू। व्यू के अंदर भी हमारे पास कोई मेन तो ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ होगी वो हम आपको बताएंगे ज़रूर कि ये चीज़ इस तरीके से आपने काम करना है, ठीक। जैसा कि मैं ये हाइड अनहाइड कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा। ग्रिड लाइन से ग्रिड आ गए हैं, हेडिंग्स, फार्मूला बार, ठीक, हेल्प। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल 2016, ठीक। अभी तक जिन्होंने जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। सॉरी गॉट आई गॉट अ गोस्ट, या यू नो दिस एंड द ओल्ड मी ट्राई टू कीप इट